आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। चुनाव लड़ने के मामले पर हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने कहा इतनी जल्दबाजी क्यों। कांग्रेस का आपसे गठबंधन नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन से किया इनकार। किसान कर्ज माफी पर बोले शिवराज, अब तो राहुल गांधी बदले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, मेरे नाम से डरते हैं नरेंद्र मोदी। और भोपाल में शराब दुकान के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल, प्रशासन की लापरवाही सामने आई। नमस्कार, मैं खुशी फाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने विसनगर दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा निलंबित करने की मांग की थी ताकि वह चुनाव लड़ सकें। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की थी कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि वो इतने दिनों से कहां थे और फिलहाल इस पर सुनवाई की कोई अर्जेंसी नहीं है। गुजरात की मेहसाणा की सत्र अदालत ने हार्दिक पटेल को दंगा मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। इसी को लेकर पटेल ने हाईकोर्ट से मेहसाणा में 2015 के दंगा उपद्रव मामले में मिली उनकी सजा को निलंबित करने की अपील की थी, लेकिन हार्दिक पटेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हार्दिक ने अपनी याचिका में कहा था कि नामांकन का आखिरी दिन गुरुवार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए। प्रधानमंत्री के निशाने पर पूरा विपक्ष रहा। मोदी ने महाराष्ट्र में NCP कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और SCP का गठबंधन कुंभकर्ण की तरह है, जब वो सत्ता में होते हैं तो 6 महीने के लिए सोते हैं, 6 महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर सोने चला जाता है। PM मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी NCP पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने NCP पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया है, पता नहीं आज कांग्रेस और NCP के लोगों को नींद आएगी या नहीं। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने केवल शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा उनका अपमान है या नहीं। मोदी ने कहा एक समय था जब शरद पवार जी सोचते थे कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अचानक एक दिन बोले कि मैं तो यहाँ राज्यसभा में ही खुश हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वे भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP का गठबंधन कुंभकर्ण की तरह है, जब वो सत्ता में होते हैं तो 6-6 महीने के लिए सोते हैं, 6 महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। ये जो प्रेम दिखाया है, पता नहीं कांग्रेस NCP का आज रात क्या होगा, सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे। हमारे यहां के सांसद रामदास जी का जन्मदिन है, मैं भी आपके साथ उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो कुछ भी मैं इस पूरे क्षेत्र और महाराष्ट्र के लिए कर पाया हूं, उसके पीछे आप सभी की शक्ति है, आप सभी का समर्थन है, आप सभी के आशीर्वाद है और आप ही मेरी प्रेरणा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगू, उसके पहले मैं आज
पूज्य बापू की तपस्वी भूमि से, आचार्य विनोबा जी की कर्म भूमि से पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों का और इसी वर्धा की पवित्र भूमि से पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मोदी ने कहा कि मत भूलिए, जब महाराष्ट्र का किसान अजीत पवार से बांधों में पानी के बारे में सवाल करने गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला था? ऐसा जवाब मिला था जो मैं बोल भी नहीं सकता। मत भूलिए, जब मावल के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो पवार परिवार ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में गठबंधन की बात से इनकार कर दिया है। उनके इस बयान के बाद दिल्ली में अब त्रिकोणीय मुकाबला होना तय हो गया है। दिल्ली की पूर्व सीएम और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कहा था कि सोमवार तक आप कांग्रेस गठबंधन पर तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। कांग्रेस का आधिकारिक बयान आने से पहले ही आप नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आपसे गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। इस तरह से इसे कांग्रेस में शीला दीक्षित की जीत माना जा रहा है क्योंकि वह गठबंधन के खिलाफ थी। दरअसल कांग्रेस 3 सीटों की मांग कर रही थी जबकि आप महज 2 सीटें ही देने के लिए तैयार था। लिहाजा कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने इस गठबंधन से इनकार कर दिया है। आप पूर्व में ही दिल्ली के सभी 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कर्जा माफी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज 100 दिन से ज्यादा बीत गए लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। ऐसे में तो राहुल गांधी को 10 सीएम बदलने पड़ेंगे। दिल्ली में शिवराज सिंह के निशाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का कर्जा माफ करने की सरकार की मंशा सवाल खड़े कर रही है क्योंकि जिस दिन लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और आचार संहिता लागू हुई उसी दिन कमलनाथ सरकार ने आनन फानन में किसानों के फोन पर मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में चुनाव के बाद आपका कर्जा माफ होगा। इस पर सवाल खड़े करते हुए शिवराज सिंह ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह लिखा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हितग्राहियों की पहचान हो चुकी है, ऐसी योजनाओं को जारी रखा जा सकता है। ऐसे में प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है तो फिर मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया जा रहा? 104 दिन हो गए मध्य प्रदेश में। मैं दावे के साथ कह रहा हूं मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है और 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात थी। इस हिसाब से अब तक कम से कम 10 मुख्यमंत्री बदल दिए जाने चाहिए थे अभी लेना है कि इसके बाद लेना, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले गए। मैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसका उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की कर्ज माफी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट में किए गए प्रावधान पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में किसानों पर 48,000 करोड़ का कर्ज है लेकिन सरकार ने इसके लिए बजट में केवल 5,000 करोड़ का प्रावधान किया। इसमें से भी केवल 1300 करोड़ रुपए बैंक तक पहुंचे। इसमें से 600 करोड़ सहकारी बैंकों तक को बाकी 700 करोड़ अन्य बैंकों तक पहुंचा है। ऐसे में लोन की राशि बैंकों को नहीं मिलने से अब वो किसानों का कर्ज चुकाने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल हो रहा है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है।
इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त वर्ष के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी नजर आई है। सोमवार को 190 अंक की तेजी के साथ खुला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स कुछ ही देर में ऊपर चढ़ने लगा। वहीं निफ्टी 85 अंकों के उछाल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 में शुमार 50 शेयर्स में से 45 हरे और 5 लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप तेजी से 7 कारोबार कर रहा है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स 127.19 अंक की तेजी के साथ और निफ्टी 53.90 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ था। सोमवार के कारोबार में एशियाई बाजारों ने मजबूत शुरुआत की है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नाम लेते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह। वे दिग्विजय सिंह के नाम से डरते हैं। ब्यावरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी मुझसे डरते हैं, इस कारण मोदी जी की पूरी टीम दिग्विजय सिंह को हराने के लिए भोपाल में डेरा डालेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कांटा तो दिग्विजय सिंह ही है। भाजपा नेताओं ने कमीशन खाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के नाम पर भाजपा नेताओं ने कमीशन खाया है। यह एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था। गुजरात में भाजपा के एक पूर्व विधायक ने मोदी जी को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि पार्टी अध्यक्ष के लोग नोटबंदी में कमीशन खा रहे हैं। इस आरोप पर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कोर्ट जाए, मैं तथ्यों के साथ आरोप लगाता हूँ। यही कारण है कि भाजपा दिग्विजय सिंह से नाराज रहती है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा की सभी 11 सीटों का टारगेट सेट किया है। इसके ही चलते वे सभी लोकसभा क्षेत्र में खुद पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बस्तर के बाग मोहल्ले में भी सीएम बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर रमन सिंह और उनके दामाद पुनीत रहे। बघेल ने मोदी की चौकीदारी पर भी सवाल उठाए। भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने बस्तर के बाग मोहल्ले पहुंचे। एक आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की न्याय योजना की बात कही, जिसमें देश के 20% 5 करोड़ गरीब परिवारों को 6,000 रूपए देने का वादा कांग्रेस कर रही है। बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा, रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता को समर्पण कर अपने बयान दर्ज कराना चाहिए। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री की चौकीदारी पर भी सवालिया निशान लगाए। सिंह ने किया है, बचा खुचा काम उसके दामाद ने कर दिया है। जो शासकीय धन लूट के भाग गया है, उसके पुलिस के सामने आके बयान देना चाहिए कि आखिर डीके बिल्डिंग को उन्होंने गिरवी कैसे रखा, बिना बजट के खर्च कैसे कर दिया और बिना पद के स्वीकृति के उन्होंने भर्ती कैसे कर ली, उसको बताना चाहिए। वो रमन सिंह के इर्द गिर्द जो लुटेरे थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा, जनता ने उसको भगा दिया है। बेकुमीद जगह खबर भोपाल, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लिया जाए, यही जिद कामयाबी हासिल कराती है। राशनपुरा चौराहे पर भी जब शराब की दुकान खोली जा रही थी, तब वहां के रहवासी विरोध में सड़कों पर उतर आए और ठान लिया कि कुछ भी हो जाए यह दुकान नहीं खुलने देंगे। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठ गए। शराब दुकान के विरोध में सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। मामला गलत जगह पर खुल रही शराब दुकान का है, जिस जगह यह शराब दुकान खुल रही थी, असल में आबकारी विभाग द्वारा उस जगह का टेंडर ही नहीं है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अचानक आनन फानन में शराब ठेकेदार द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकान वाहता खोला जा रहा था, जिसका रहवासी विरोध कर रहे थे। विरोध को देखते हुए आबकारी अधिकारी और SDM मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि गलत जगह पर इस शराब दुकान को नहीं खुलने दिया जाएगा। देखिए, हमारी एक्साइज ऑफिसर से बात हुई, यहाँ पे खुले जाने की कोई अनुमति नहीं है। इनकी दुकान जो है पीछे में गई थी और वहाँ की अनुमति थी, और मेरे पास जो सूची है उस सूची के मुताबिक ये दुकान जो है इस रोड पे नहीं खोले जा सकते हैं। और यहाँ पे उनके द्वारा चूंकि कोई अनुमति नहीं है, ना कलेक्टर द्वारा अनुमति है, तो ये अनऑथराइज ही हटाया जाएगा, यहाँ नहीं खोले जाएंगे। आश्वासन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र उनका नहीं है और यहाँ के लिए हमारे द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई है इस क्षेत्र में दुकान के लिए।
ऑलरेडी जहाँ पर चल रही है दुकान वहीं पर शुरू हो गई। मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि इस क्षेत्र में यहाँ पर दुकान लगाने की कोई स्वीकृति शासन के द्वारा नहीं दी गई है। सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो दुकान का टीटी नगर एक नंबर का जो ठेका है वो इस क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। क्षेत्र से बाहर आकर और दुकान खोलना, जो उनके रेंज है उससे बाहर आकर दुकान खोलना है, पहली चीज़ सरासर गलत है। दूसरी चीज़, पास में ही बच्चों का स्कूल है, सामने बस्ती लगी हुई है, बाजू में रिहायशी इलाका है, मंदिर है, सब चीज़ें हैं। सब चीज़ों को ताक पर रखते हुए सरासर मतलब ये प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन की सरासर अनदेखी है। क्या चूक हुई जो अनुमति कर दी गई, तो मेरा इसका विरोध है। और यहाँ पर अगर मतलब दुकान खुलती है तो मैं आमरण अनशन पर तक बैठूंगा। शराब ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ पूरा मालवीय नगर, रोशनपुरा के रहवासी, व्यापारी व स्थानीय नेता एकजुट हो गए और एक मत होकर सभी शराब दुकान खुलने के विरोध में धरने पर बैठ गए। नहीं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो शराब की दुकान यहाँ आवंटित की है शासन प्रशासन के द्वारा, हम उसका विरोध करें। हम यहाँ दुकान नहीं खुलने देंगे। ना तो इन्होंने ये ध्यान रखा कि राजभवन पास में, मंदिर मस्जिद पास में, रहवासी क्षेत्र पास में, बच्चों का भविष्य है, इनने किसी को ध्यान में न रख के इनको दुकान सोम ग्रुप वालों को आवंटित की है। हम यहाँ के जो रहवासी हैं, शासन प्रशासन के विरोध में यहाँ सभी लोगों का उग्र विरोध हो रहा है और प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि ये नहीं माने तो हम जो है दुकान नहीं खुलने देंगे और इसका अनिश्चितकालीन धरना भी हमारा। इसलिए कि एक तरफ तो नारी सुरक्षा की हम बात करते हैं, नारी उत्पीड़न रोकने की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटियों के संरक्षण की बात करते हैं, और दूसरा अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो राजनीतिक आंदोलन या कोई भी आंदोलन होता तो यहाँ से आप 200 मीटर से ऊपर पे जो है बैरिकेड लगा के वहाँ पर रोक देते हैं। और यहाँ पर राजभवन है, यहाँ पर सामने व्यापारिक क्षेत्र है, दो दुकान, दो घर के बाजू में स्कूल है, इधर सामने मंदिर है। जो आबकारी नीतियों के हिसाब से भी जिस क्षेत्र में महिलाएं अगर विरोध करती हैं उस क्षेत्र में शराब व्यवसायी दुकान नहीं खोल सकता। हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से आमरण मतलब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए, एक तरफ नशे के ठेके देती है, एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र चलाती है, दोनों तरफ से सरकारें लूट रही हैं। 2015 में मध्य प्रदेश सरकार माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को जमहूरी मैदान से एक ज्ञापन दिया था कि मध्य प्रदेश नशा मुक्त होना चाहिए। आज उनने उस जनता की आवाज़ को नहीं सुना तो उनको यह जनता ने सबक सिखा दिया। अगर यहाँ पर भी शराब की दुकान खुली तो ये सरकार के लिए यही होगा। वैसे सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो एक यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ये क्षेत्र वैसे भी बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ जहाँ एक और राजभवन है, सामने निम्न वर्ग आय की बस्ती है और मंदिर मस्जिद सब पास में है। ऐसे स्थिति में जहाँ पे सराय की दुकान खोली जाने से, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है। शराब दुकान खुलने के विरोध में रहवासियों ने लोकसभा प्रत्याशियों को भी दो टूक कह दिया कि अगर यहाँ शराब दुकान खुली तो हम सभी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी इस इलाके में ना तो प्रचार करने देंगे और ना ही कोई वोट डालने जाएगा। यहाँ पे शराब की दुकान की अनाधिकृत परमिशन की मतलब सामने आई है बात, और अगर ये शराब की दुकान खुलती है गलती से भी तो हम लोग मतदान का, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी नेता को, किसी भी दल के नेता को घुसने नहीं देंगे। और यहाँ ये वार्ड नहीं, इसके आसपास के 10-5 वार्ड भी इससे प्रभावित होंगे। ये छोटी सी चिंगारी है, आगे चल के ये बहुत बड़ा आग का गोला बन सकती है, भड़क सकती है आग। इसलिए बिल्कुल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो है इस तरह अनधिकृत जो है दुकानें नहीं खोलना चाहिए। किसी भी तरह की पूरी तरह जांच होना चाहिए कि उसका जो क्राइटेरिया जो भी है वो निर्धारित होने के बाद दुकान की परमिशन देना चाहिए। और बच्चों के रहवासी क्षेत्र से और धार्मिक क्षेत्रों से दूर होके ये दुकानें खोलना चाहिए। ऐसा हमें खबर है कि खुलने वाली है, हम खुलने नहीं देंगे। हम शासन के खिलाफ है कि शासन यहाँ पे दुकान ना खोले। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल एक घर छोड़ के 50 मीटर पे स्कूल, 50 मीटर पे मंदिर है। यहाँ पे दुर्गा प्रतिमा का विगत 30 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना की जाती है, होली का दहन की जाती है, सब त्यौहार गणेश चतुर्थी वगैरह सब यहीं मनाया जाता है। और चंद कदमों पर ही राज्यपाल जी महोदय की बाउंड्री वालों सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सामने ही पड़ रही है, तो हम यहाँ इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि इस शराब दुकान का विरोध रहवासी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इलाके में छोटे बच्चों का स्कूल है,
कई फैमिली रेस्टोरेंट है, मंदिर व मस्जिद है, महिलाओं के दफ्तर है, दुकान के ठीक सामने कई सालों से झांकियां लगती आ रही हैं। राजभवन कुछ कदम की दूरी पर है, विधानसभा मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। यह शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जहां शराब की दुकान खोली जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना होने का डर बना रहता है। शराब सभी महिलाओं के घर बिगाड़ती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा किसी भी महिला का घर बिगड़े। यहाँ पे शराब पी के लोग ऐसे पड़े रहेंगे, यहाँ पे मंदिर मस्जिद स्कूल सभी चीजें है और यहाँ बिल्कुल बीच मार्केट में ये शराब की दुकान खुल रही है, तो कैसे हम लोग का महिलाओं का आना जाना तो बिल्कुल घर से निकलना बंद हो जाएगा। रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होंगे, कुछ ना कुछ होती रहेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुले। यहाँ पे स्कूल है, दरगाह है, मंदिर है, मस्जिद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है, कम से कम 15,000 की बस्ती है और इस तरह से ये लोग यहाँ शराब खोलकर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि शराब सभी महिलाओं के घर बर्बाद करता है, सभी महिलाएं भी जानती हैं और ये पुरुष भी जानते हैं कि पीकर आना और घर में बच्चों का देखना ये बहुत ही बुरी बात है। मोस्टली सभी महिलाओं का जो भी शॉपिंग होती है, जितनी भी खरीदारी होती है, हम सभी महिलाएं न्यू मार्केट से ही करती हैं। अगर ये दुकान यहाँ खुलेगी तो हमारा तो यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हमारे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, हम कैसे यहाँ से निकल पाएंगे? हमारा तो आना जाना ही बंद हो जाएगा। जो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर महिलाएँ रहती हैं, यहाँ पर एक बस्ती है, चारों तरफ बस्ती है, पूरा दुकानदार रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होना बहुत ही घातक। प्रदेश में शराब माफिया किस कदर हावी है ये आपको देखने को मिल रहा है। पास में स्कूल है, पास में मंदिर है, पास में मस्जिद है, पास में छोटे छोटे बच्चे खेलते भी है। एक पौश इलाका माना जाता है जहाँ पे रहवासी रहते हैं, भले लोग रहते हैं। यहाँ पास में शराब की दुकान खोलना कितना घातक हो सकता है, ये हम रहवासियों से ही जानने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ रहवासी जुड़े हुए हैं। बताइए क्या क्या हुआ, क्या शराब दुकान खोलने से? शराब दुकान खोलने से सभी को यहाँ पर नुकसान होगा। हमारा यहाँ पर निरंतर तीसरा दिन है आज धरने का, है ना। दो दिन से हम लोग थोड़े कम उसमें कर रहे थे, उग्र नहीं थे, परंतु आज हमें पता चला कि 1 तारीख को यहाँ से दुकान लगने वाली है। सारी परमिशन, सारे मतलब डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हो चुकी है। तब हम लोगों ने समस्त रोशनपुरा वासियों और यहाँ के रहवासियों और व्यापारियों ने संगठित होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का निश्चय किया। शराब की दुकान वैसे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल भी है, मंदिर भी है और अभी नवरात्रि आने वाली है। और मेरा ये कहना है जब माता जी की मूर्ति विस्थान होगी तो उस बाद में भी विवाद होगा। ये विवादित स्थिति यहाँ पर होने वाली, आज नहीं कल होंगे यहाँ पे लड़ाई की प्रदर्शन होंगे। आने वाले समय में जहाँ पे भी वही पोजिशन होने वाली, नशे में कुछ नहीं दिखता उन्हें। रहवासी और व्यापारियों का कहना है कि यहाँ झांकी भी बैठाई जाती है, यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ सभी लोग खाने के लिए आते हैं, तो शराब दुकान कहाँ तक जाया जाए? कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। पूरा दिन धरने पर बैठे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई जब प्रशासन की ओर से साफ कहा गया कि यह दुकान आवंटन क्षेत्र में नहीं खोली जा रही, जो गलत है, इसीलिए यह दुकान यहाँ नहीं खोली जाएगी। विषय है और यह भोपाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि 12 घंटे के अंदर डिसीजन चेंज हो गया। और मातृशक्ति महिलाओं की और सभी रहवासियों की मांग थी, अगर ये दुकान खुल जाती तो कम से कम 20,000 पब्लिक को इससे भारी नुकसान होता। हम सभी के लिए धन्यवाद है, प्रशासन का भी धन्यवाद है जो हमारी बात को सुना। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात मनचले की, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना मनचले को महंगा पड़ गया। लड़कियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जबलपुर की इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जबलपुर पुलिस की कोड रेड टीम ने सुबह मदन महल में एक मनचले को पकड़ा। यह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यह मनचला छिंदवाड़ा का रहने वाला है और जबलपुर में लड़कियों को छेड़ रहा था। यह मनचला जैसे ही पुलिस की टीम के हत्थे चढ़ा तो लड़कियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद सादी वर्दी में मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने भी उससे माफी मांगने को कहा। बताया जा रहा है कि वह रोज इलाके में घूमकर लड़कियों पर कमेंट कर उनके साथ छेड़खानी करता था। यहां से गुजरने वाली लड़कियां इससे परेशान थी। उसकी हरकत को देखकर कोड रेड टीम उसके पास पहुंची और जैसे ही मनचले से पूछताछ शुरू की तो वो घबरा गया और उसने सारी गलती मान ली। मनासा तहसील के गांव खजूरी में सड़क किनारे मगरमच्छ का एक बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। यह मगर किसी पर हमला करता, उससे पहले ही ग्रामीणों ने उसे बांध कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। नीमच के मनासा तहसील के गांव खजूरी में सड़क किनारे मगरमच्छ का एक बच्चा लोगों ने देखा। लोगों को देखकर इसने पहले अटैक करने की कोशिश की और फिर छिपने लगा। मगर को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई। कुछ लोगों ने रस्सियों के सहारे उसे पकड़ा। इस दौरान वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। ग्रामीणों ने रस्सी से मगर का मुंह और उसकी गर्दन बांध दी थी। यह साफ नहीं हो पाया कि यह मगरमच्छ कहां से सड़क तक आया। अब वन विभाग इसे ले जाकर कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ देगा। छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा तो मौके से पुलिस ने अवैध बनाने वाले देसी कट्टे, बंदूक की बटे और हथियार बनाने का तमाम सामान बरामद किया। पिछले लंबे अरसे से यहां हथियार बनाने का काम चल रहा था। छतरपुर पुलिस ने दो अलग अलग जगह पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस चौबी कॉलोनी में बने एक आलीशान मकान में हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालित होती है। इस फैक्ट्री में अवैध हथियार उन युवाओं को बेचे जा रहे हैं जो शहर में आए दिन फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा तो वहां पर भारी मात्रा में कट्टा बंदूक और अधबने पिस्टल और हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ। अवैध हथियारों का निर्माण अपने छतरपुर में हो रहा है। जो मुखबिर की सूचना पे ये सोनू विश्वकर्मा नाम का लड़का है जो कि इसके घरों पे दबिश दी गई तो अवैध हथियारों का निर्माण जिसमें बने कुछ हैं, कुछ फुल बने हुए कट्टे हैं जो अभी कार्रवाई चल रही है। इसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार्रवाई होने के उपरांत पता चलेगा कि कितना क्या चीज था। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले मनीष विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसकी सूचना पर पुलिस ने एक और जगह डीसी प्लाजा के सामने बने मकान पर छापा मारा तो वहां पर भी हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ है जिसका पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। लेकिन पुलिस को ऐसी आशंका है कि अवैध हथियार फैक्ट्री से बने हथियारों का चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। सुजालपुर में एक ऑयल फैक्ट्री में लगी मामूली सी आग को तेज हवाओं ने भड़का दिया जिस कारण आग लगने के बाद विकराल रूप ले लिया। इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर सुहा हो गया। शाजापुर जिले के सुजालपुर में जोड़ के समीप खुशबू ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। करीब दो घंटे तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से लाखों रुपए का सामान और तेल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि यहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। शुरुआत में आग धीमी थी लेकिन तेज हवाओं के इसे भड़का दिया। राह से गुजर रहे लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर इसकी सूचना दी जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक वहां रखा हुआ पूरा सामान और कई हजार लीटर तेल जल गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है।
इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर लूट की नियत से वारदात करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बदमाश सराफा व्यापारी के ड्राइवर को गोली मार कर भाग गए थे। CCTV में फुटेज मिलने के बाद भी पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में नाकामयाब रही, तो सराफा एसोसिएशन ने आरोपियों पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। जो भी आरोपियों को पकड़वाएगा उसे बतौर इनाम 1 लाख दिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी की थी जिसमें राजधानी में जगह जगह पर चश्मा किया जाएगा। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए गुटखा बनाने के कारखाने का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से बड़ी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान जब्त किया है। बिना इजाजत यह कारोबार करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया है। छतरपुर की कोतवाली थाना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बाईपास के पास एक मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मकान पर नकली गुटखा बनाने का काम किया जा रहा है, जिस पर पुलिस और खाद्य विभाग ने जब इस मकान पर छापा मारा तो वहां गुटखा बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर गुटखा बनाने के रैपर मशीन गुटखा जब्त कर 3 मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। गुटखा फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया है। छतरपुर पुलिस द्वारा नशा उन्मूलन के तहत पिछले कई दिनों से पुलिस अधीक्षक और व्हाइट मेजर वाले खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसी तार पर हमें आज मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से गुटखा फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जो CSP साहब के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारी दबिश दी गई है, जिसमें मशीन से गुटखा पैक किया जा रहा था, सामान जब्त किया गया मशीन जब्त। संत हिरदाराम नगर से हिंदू सेना के तत्वाधान में झूलेलाल धर्म यात्रा विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन हर साल की तरह इस वर्ष भी चेती चांद झूलेलाल जयंती के अवसर पर किया गया था। चेती चांद झूलेलाल जयंती के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी सिंधु सेना ने झूलेलाल धर्म यात्रा की विशाल वाहन रैली का आयोजन किया। रैली सिंधी कॉलोनी चौराहे से प्रारंभ होकर संत हिरदाराम नगर में संपन्न हुई। रैली के उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। रैली के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झूलेलाल कल्याण मंडलम सेवा समिति द्वारा सिंधु सेना का वाहन रैली का तहे दिल से स्वागत कार्य रखा गया है, जिसके कार्यक्रम में हम उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों से, हार फूल मालों से, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का और समोसे का आयोजन किया गया है। वाहन रैली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवा रंग के वस्त्र पहनकर शामिल हुए। वाहन रैली का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। संत नगर में भी सिंधी पंचायत एवं झूलेलाल कल्याण सेवा समिति द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया। सिंधु सेना के राकेश कुकरेजा ने सभी का आभार व्यक्त किया। झूलेलाल जी के पावन पर्व पे हम एक हफ्ता पहले ही पूरे शहर में भ्रमण करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान झूलेलाल जी सबके देवी देवता हैं, वरुण देवता हैं, जल देवता हैं। इसी आशा और उल्लास के साथ पूरे इस प्रदेश में एकता और अमन कायम रहे, इसी संदेश को लेके हम
हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि आज गांधीनगर में बड़े उत्साह के साथ हमने झूलेलाल महायात्रा निकाली और आके सिंधी कॉलोनी में सम्मिलित हुए। सिंधी कॉलोनी से पूरे शहर में भ्रमण करते हुए संत नगर की नगरी में, संत जिंदाराम साहिब जी की नगरी में यहाँ पर आए हैं, उनको एकता का परिचय देने आए हम। सलमान खान इन दिनों बड़े खुश हैं। उनकी पॉपुलर फिल्म दबंग के सीक्वल दबंग 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। सलमान मध्य प्रदेश के महेश्वर में शूटिंग से पहले इंदौर पहुंचे। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अरबाज खान और सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के महेश्वर में अब एक पखवाड़े तक रोल, कैमरा और एक्शन जैसे शब्द सुनाई देते रहेंगे। महेश्वर में सलमान खान अपने प्रिय प्रोजेक्ट दबंग 3 को पूरा करने के लिए पहुंच गए हैं। सुबह मुंबई से सलमान अपने भाई अरबाज के साथ इंदौर और फिर महेश्वर पहुंचे। सलमान की इस फिल्म को डांसर और डायरेक्टर प्रभु देवा निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में भी सोनाक्षी सिन्हा सलमान की हीरोइन है। सलमान ने इस इलाके से अपने जुड़ाव को भी उजागर किया है। अरबाज एंड मी हैव जस्ट लैंडेड इन इंदौर वेयर वी वर बोथ बॉर्न एंड वी आर गोइंग टू मंडलेश्वर एंड महेश्वर टू शूट फॉर दबंग वेयर आवर ग्रैंडफादर वाज पोस्टेड व्हेन ही वाज इन द पुलिस फोर्स। दैट्स राइट। So we're going to have our first day of shoot tomorrow. So Dabang 3 starts tomorrow. दबंग 3 फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता सलमान खान ने काफी तैयारी की है। इसमें एक गाने में डांस के लिए सलमान को प्रभु देवा ने काफी मेहनत करवाई है। सलमान की टीम ने बताया है कि निर्धारित समय में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। महेश्वर को कुछ खास लोकेशन की वजह से चुना गया है। वहीं दूसरी ओर नर्मदा घाट पर 1-7 अप्रैल तक होने वाली दबंग 3 की शूटिंग की अनुमति 2 दिन के लिए प्रशासन ने निरस्त कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग अब 4 व 5 अप्रैल को नहीं होगी, इसीलिए इस फिल्म का शूटिंग शेड्यूल कुछ टाइट हो गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में अब भैरन समाचार जर्जर भोपाली के साथ। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और आज तो भैया बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह मियाँ जरा रसगुल्ले वगैरह खिलाओ सबको। हाँ अरे भैया हमने क्या हुआ, अंतरिक्ष में इतनी ताकत पैदा कर ली है, ऐसी बेटी बेटी मिसाइल जाएगी दुश्मन का सेटेलाइट वगैरह खत्म कर सकती है। ये ताकत पहली बार आई अपने यहाँ और बता रहा हूँ ये दुनिया में अपना 4th नंबर आ गया है। अमेरिका, उसके बाद रशिया, रशिया के बाद चाइना और फिर अपन इंडिया। और इस पर पाकिस्तान बोल के ऐसे भूम भिड़ा गया, बता रहे ऐसे भिड़बड़ा रहा है, इसको ऐसी घबराहट होने लगती है। यानी क्या, अरे तेरे ऊपर डालना है कि भैया, और मैं बता रहा हूँ कि भैया ये भुनभुना रहा है ये तो ठीक है, इसको भुनभुनाने से यहाँ के विपक्षी दल क्यों भुनभुनाने लगती है। अरे ये देश के गौरव की बात है, अपने सम्मान की बात है, कभी तो तारीफ करो। मैं बता रही हूँ हो क्या जाता है, वो ममता बनर्जी और ये मायावती कह रही है आचार संहिता का उल्लंघन। अरे मैं कह रहा हूँ अगर तुम प्रधानमंत्री होती तो तुम भी करती ना। कौन ऐलान करता, देश का जो मुखिया होगा वही तो ऐलान करेगा ना। और फिर जो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो तो बैठे ही साथ में, वो तो कर ही रहे हैं। ये DRDO के पूर्व चीफ हैं सारस्वत जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने है ना पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन ये उस समय ये प्रधानमंत्री अपनी मनमोहन सिंह जी उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं, तो ये वो तो पहले ही हो जाता है, ये धमाका बता रही हूँ। अब कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए, तैयारी पहले चल रही थी ना, उसमें क्या है। लेकिन उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए ना भैया ऑर्डर देने के लिए, तो दे दिया इनने, इसमें तकलीफ आएगी, ये अच्छी बात है। हाँ, और राहुल गांधी ने भैया मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे पे है ना बधाई भेजी है। और मैं कह रहा हूँ इस समय इंडिया में 2 बड़े एक्टर हैं, इनसे बड़ा कोई एक्टर है नहीं, एक तो राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। और भैया राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन कोई है क्या इस समय, और नरेंद्र मोदी भैया एग्रेशन वाले एक्टर हैं दोनों। ये बधाई दी है तो बड़ा अच्छा काम किया, मोदी जी को भी इनको बधाई देना चाहिए, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, और मैं बता रहा हूँ जब से राफेल का चक्कर चलाया नहीं आकाश में, तब से है ना ये मोदी जी है ना एयर स्ट्राइक ही कर रहे हैं, आवामी खेल रहे हैं, पहले एयर स्ट्राइक कर दिया, अभी सैटेलाइट करवा दिया। तो बता रही हूँ ये मत छेड़ो, ये आवामी चलता रहेगा मामला। और ये रघुराम राजन है जो पूर्व गवर्नर है ना RBI की, ये कह रहे हैं कांग्रेस की जो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं। और मैं तो अंदर की बात समझ लेता हूँ, इनका भी मन कर रहा है चुनाव ना लड़ने का, बता रही हूँ ये पार्टी वार्टी में आने वाले। हाँ, और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बायोपिक बन रही है, ये PM नरेंद्र मोदी, पता नहीं ये और एक स्ट्राइक ही और होने वाली है, अभी देखो विपक्षी दल की चिल्लाते हैं। हाँ, और भैया ये कांग्रेस जी बहुत परेशान थे, सपना चौधरी ने मना कर दिया आने से, और मैं बता रहा हूँ उनके लिए खुशी हो गई कल, और मेरा मतोहन करने आया ना कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अब उनके भी लड़के झड़के देख लो भैया,
तुम खुश हो जाओ, उसमें क्या है। याही रे जो लगे नाची रे वो जे रंगीला, ये सब गाएंगे। और मेरा भी मन हो रहा है भाई नाचने गाने का, मैं भी जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।